लेबनान में पेजर अटैक में 5,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, पर सवाल ये है कि आखिर ये पेजर अटैक हुआ कैसे। सबसे पहले पेजर के सर्वर में सेंध लगाई गई, एक स्क्रिप्ट को पेजर में इंस्टॉल किया गया, उसमें मौजूद लिथियम की बैटरी गर्म हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक जोरदार धमाका हुआ। हिजबुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल से इस हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। पेजर धमाकों से दहला लेबनान, हिजबुल्ला पर बरसे मौत वाले पेजर बम, बिना बारूद दहल गई लेबनान की राजधानी। धमाके की ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं, जहां खौफ में लोग इधर उधर भागते नजर आए। धमाका ऐसा हुआ कि हर जगह चीख पुकार मच गई, पल भर में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अस्पताल की तरफ भागते दिखाई दिए तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सेफ जगह की तलाश करते दिखे। लेबनान में सीरियल धमाकों का ये नया चैप्टर है, यानी ऐसा धमाका जिसमें बारूद कम विस्फोट ज्यादा हुआ। बेरूत में ये ऐसा धमाका था जिसके बारे में हिजबुल्ला भी कभी सोच नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पेजर को मोबाइल की तरह हैक करके 1,700 विस्फोट किए गए, और इसे अंजाम कैसे दिया गया उसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले धमाके की इन तस्वीरों को देखिए। बेरूत के भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग सब्जियां खरीदने में मशगूल थे। किसी को ये इल्म नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। तभी सब्जी खरीद रहे हिजबुल्ला के लड़ाके की जेब में रखे पेजर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वो लड़ाका वहीं गिर गया और बाजार में अफरा तफरी मच गई। अब धमाके की एक और तस्वीर देखिए, ये बेरूत के एक दफ्तर की है। बुरके में महिला काम कर रही थी, इसी दौरान हिजबुल्ला का एक लड़ाका वहां आकर खड़ा हो गया। तभी उसके पेजर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद दफ्तर में हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे। लेबनान के कई इलाकों में पेजर में सिलसिलेवार ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हो गए। इस हमले में लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी घायल हो गए। ये हमला इतना सुनियोजित था कि लेबनान में लगातार एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट से हर जगह खौफ देखने को मिला। लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्ला को निशाना बनाकर ये हमला किया गया था। लेबनान ने इस हमले में इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के मुताबिक लेबनान में ये हमला पेजर को हैक करके किया गया, लेकिन सवाल ये है कि पेजर होता क्या है, क्या पेजर को मोबाइल की तरह हैक किया जा सकता है। दरअसल पेजर एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। भारत समेत दुनिया भर में 1990 के दशक में ये काफी पॉपुलर था। क्योंकि पेजर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता, इनका सिस्टम इनक्रिप्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें मौजूद डेटा को कैप्चर किया जा सकता है। इसके बाद हैकर्स अपनी कमांड दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला कि मोसाद ने इन पेजर की बैटरियों पर विस्फोटक पदार्थ PETN रख दिया था। मंगलवार को एक ही समय पर हिजबुल्ला लड़ाकों के पेजरों को हैक किया गया, फिर पेजर की बैटरियों का तापमान बढ़ाकर उसमें एक साथ विस्फोट कर दिया गया। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक हर पेजर में 20 ग्राम से कम वजन का विस्फोटक रखा गया था। जिस पेजर में विस्फोट किया गया उन्हें हिजबुल्ला ने हाल ही में खरीदा था। हिजबुल्ला के नेता नसरुल्ला ने सेल फोन के बदले पेजर का इस्तेमाल करने को कहा था, ताकि इसराइल की खुफिया एजेंसी इसे ट्रैक नहीं कर सके। पेजर के ही जरिए हिजबुल्ला के लड़ाके एक दूसरे से संपर्क साधते थे। इस बीच पेजर बनाने वाली ताइवान की कंपनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन सू चिंग क्वान ने कहा है कि जिन प्रोडक्ट में ब्लास्ट हुआ वो उनकी कंपनी के नहीं थे, उन प्रोडक्ट के लिए सिर्फ उनके ब्रांड के नाम का इस्तेमाल किया गया था। उधर हिजबुल्ला ने इजरायली पेजर ऑपरेशन में मारे गए अपने लड़ाकों और घायल लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए एक बयान जारी किया है। हिजबुल्ला ने फिर से पुष्टि की है कि वो गाजा में हमास के समर्थन में इजरायल पर हमला करना जारी रखेगा और इस हमले का करारा जवाब देगा। जबकि लेबनान ने पेजर अटैक के बाद इजरायल की सेना ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा की और जनता को सतर्क रहने के लिए कहा है।